कितनी दफा मना कर चुका हूँ कि फजूल की चैटिंग मत किया करे। मैडम पीछे मत आओ, मैं चली जाऊंगी। डोरा कहाँ जा रही हो, तुम्हें अपने नए घर का पता है? मैं चैन सॉन्ग ही हूँ। कब से पीछा कर रहे हो तुम मेरा? तुम जैसे लोग बहुत देखे हैं मैंने, चुटकी में मसल देती हूँ मैं। अगर तुमने खैर इस वक्त मेरे पास तुमसे बहस करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। 50,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इतने तन से बुरी बातें सुनने के बावजूद भी खुश नहीं हूँ मैं। अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो इसको बोलो कि चैन सॉन्ग जैसी एक्टर भी बने। तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। कब से आए हो तुम यहाँ? प्लीज पीछे हो जाओ सब। पीछे हो जाओ सब। तस्वीरें बनाना बंद करो, बंद करो, बैठ जाओ। आज फिर ये मेरे ख्वाब में आएगी। काश मैं उसकी कुर्सी होता, कितनी खूबसूरत लग रही है। यार मुझे भी तो दिखा। बड़े दिनों बाद आई है। इसकी चेन तो देखो, वाकई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है इसने। सर्जरी करवा के तो कोई भी खूबसूरत लग सकता है। मेरी मानो तुम भी करवा लो, बहुत अच्छी लगोगी। यहाँ बैठ के बातें क्यों बना रही हो, जाके करवा लो ना सर्जरी। नूना प्लीज बर्दाश्त करो, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। अभी तक क्लास शुरू नहीं हुई, पता नहीं खत्म कब होगी। गुड मॉर्निंग सर। अरे ये तो वही है, ये कहाँ से आ गया यहाँ? क्या तुम जानती हो उसे? हाँ जानती हूँ, नया पड़ोसी है मेरा। बुक्स खोल लीजिए। चलो ये तो अच्छी बात है, इससे दोस्ती कर लो, ये तुम्हें सेमेस्टर में पास करवा देगा। तुम्हें याद है ना, लास्ट टाइम भी तुम इस पेपर में फेल हो चुकी हो। क्या वैसे तुमने इसके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? आज नया टॉपिक है हमारे पास। नहीं कैसे कर सकती हो, कल तो शिफ्ट हुई हो तुम वहाँ। नहीं मैंने बहुत कुछ कह दिया है। खूबसूरत हो, जवान हो, मेरे ख्याल से तुम्हें इस स्मार्टनेस को अपनी स्टडी और स्पोर्ट्स पे यूज करना चाहिए। और तुम बहुत ही गलत इंसान का पीछा कर रहे हो मिस्टर। क्या? अच्छा अब आप पुलिस में रिपोर्ट करेंगे इसकी? आपका मतलब ये कि मैं पागल हूँ, बददिमाग हूँ, बदतमीज हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है। मांस मादा मक्खी नर मांस मक्खी से मिलती है तो उसकी फितरत है कि वो नर मांस मक्खी को मार देती। अब नर मक्खी ये तो चाहती है कि वो मादा से मिले, लेकिन ये नहीं चाहती कि अपनी जान गवा दे। मतलब ये कि वो मोहब्बत तो करना चाहता है लेकिन उसकी कीमत देना नहीं चाहता। तो इसीलिए नर मक्खी पहले से ही मादा मक्खी के लिए खाना ले आता है ताकि मादा मक्खी का ध्यान खाने में लग जाए और वो उसकी जान ना ले सके। कुछ नर मांस मक्खियां खाने को बड़े से जाल में बांधकर मादा मक्खी के लिए ले आते हैं ताकि मादा मक्खी उसको खाने में ज्यादा से ज्यादा टाइम मसरूफ रहे। उसका फायदा यह होता है कि नर मक्खी को मादा मक्खी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है। कुछ नर मक्खियां शहद के बजाय जाल खाली ही लेकर आ जाते हैं क्योंकि वो जान गए थे कि मादा मक्खी को जाल खोलने में काफी वक्त लग जाता है। जब तक मादा को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तब तक नर मांस मक्खी जा चुकी है। कुछ अरसे बाद मादा मक्खी ने जाल को अच्छी तरह से देखना शुरू किया लेकिन नर मांस मक्खियों ने होशियारी दिखाई। वो जाल में कोई वजनी सी चीज पहले ही रख देते हैं ताकि मादा को शक ना हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है।
क्या बात है, आप मेरे प्रोफेसर निकले? मैं तो वाकई आपको देखकर हैरान रह गई। सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। कल रात जो हुआ उसके बारे में सोच रहे ना? वो क्या है कि कभी कभार मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ और उसी तरह उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हूँ। और आजकल तो सभी ऐसी हरकतें करते ही हैं। कोई काम है तुम्हें मुझसे? वो आपने जो असाइनमेंट दिया है हम सबको, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो क्या करें? आपको क्या लगता है ये बरियाजम एशिया अब तक साथ क्यों है? सिर्फ हमारे कल्चर की वजह से। कल्चर हमें एक करता है और इसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं एक्टिंग करती हूँ। ओके, बात यह है कि मैं अपने ड्रामे की शूटिंग में बहुत बिजी रहती हूँ और आपका ये असाइनमेंट करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। मैं जानती हूँ हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कहाँ जा रहे हैं? मेरी उस हरकत को माफ कर दीजिए ना, पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक होते हैं। अगर आप मुझे ये छोटी सी फेवर दे देंगे तो हो सकता है हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए। वक्त आने पर मैं भी आपके काम जरूर आऊंगी, वादा करती हूँ। प्लीज असाइनमेंट से मेरी जान छुड़ा दीजिए। मैं जानती हूँ आप इनकार नहीं करेंगे, मेरी बात जरूर मान जाएंगे। जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए, टेंशन क्यों ले? कुछ गलत कहा? जिंदगी को ऐसे बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं एक बार तुम्हारी मदद करूंगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और फिर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। फिर तुम एहसान उतारना चाहोगी और वो तुमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी एहसान उतारने के लिए बहुत कम है। इस जिंदगी में हम एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। क्या ये संजीदा था? ये ऐसे ही मजाक कर रहा था मुझसे? इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी वाली बात है? कैसे आदमी हो यार तुम, चेंग सॉन्ग को नहीं जानते? वो तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। मैन स्टार्स के बारे में जानकर क्या करूंगा? ये लोग मगरूर होते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं। हाँ, पहले जमाने के एक्टर बहुत अच्छे हुआ करते थे। मुझे तो बैगू बहुत पसंद था। बैगू एक्टर नहीं था, वो गुलूकार था। ओ हाँ, वैसे एक्टर भी था इस नाम का एक। मैं तो इतना टीवी देखता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कौन अच्छा सिंगर है और कौन बहुत अच्छा एक्टर। ये वाकई अच्छे होते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं अच्छे होते हैं। तुम्हें एसएसओ याद है? हाँ, वो बहुत अच्छा था। अच्छा ये बताएं, आपका नया ऑफिस कैसा चल रहा है? बस ठीक चल रहा है, बिना फीस वाले केस काफी लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि आप 3 महीने बाद मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना दें। हाँ ठीक है। हैं? अभी से क्यों बना दूं? अभी तो बहुत वक्त बाकी है। 10 साल के बाद बनवाते हो ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। वो बात यह है कि हो सकता है इस जमीन पर यह मेरा आखिरी साल हो। क्या? 3 महीने बाद मैं घर वापस जा रहा हूं, टाइम आ गया है। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। वापस जाके मुझे भूल जाओगे ना? आप ही मेरे इकलौते दोस्त हैं, आपको कभी नहीं भूलूंगा।
तुमने इस बार यहाँ सेटल्ड होने का इरादा कर लिया है? पढ़ाई तो मेरी खत्म हो चुकी है, अब वापस जाकर पैसे ही जाया होंगे। हाँ, सिर्फ पैसे ही बचा सकते हो तुम। हाँ, सही कहा तुमने। सीमी, हाँ? इस मौके की गवाह रहना तुम। मैं किसी का हाथ मांगने जा रहा हूं। पंद्रह साल गुजर चुके हैं, अब और कितना इंतजार करवाओगी? तुम्हें ये तस्वीर याद है? तुम्हें तो तस्वीर बनवाना पसंद नहीं, मेरे पास तुम्हारी ये वाहिद तस्वीर है। देखो कैसी लग रही है तस्वीर, अच्छी है ना? तुम तो आज भी वैसे ही जवान हो, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं। यही वजह है कि मैं दोस्त बनाना पसंद नहीं करता। यहां लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और जल्द ही मर जाते हैं, और मैं अकेला रह जाता हूं। आपको अभी जीना है, उस वक्त तक जब तक मैं चला ना जाऊं यहां से। बहुत मिस करूंगा मैं आपको, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि तुम इतने अरसे तक जमीन पर रहे ही क्यों? जब आए थे उसी वक्त वापस क्यों नहीं चले गए? इसकी वजह एक हादसा है। उस हादसे में किसी की जान चली गई थी। मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया। क्या हुआ था? वो पहली लड़की थी जिसने मुझे तोहफा दिया। ये तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम जिस चीज पर यहां आए थे वो फिजाओं में उड़ने वाली कोई चीज थी, बिल्कुल चांद की तरह। क्या तुम सचमुच चांद पर रहते हो? मैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाई। और तीन सदियों के बाद कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ। क्या? फिर क्या हुआ? 12 साल पहले की बात है। क्रिसमस का दिन था। उस दिन मैं एक लैब में मैनेजमेंट का काम करता था। उस वक्त कई सालों बाद पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। यानी उस लड़की का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जिसे तुमने 400 साल पहले इस जमीन पर देखा था? हाँ। अच्छा, तो क्या फिर दोबारा तुम गए उस जगह उसको ढूंढने के लिए? तुम्हें याद है स्कूल के जमाने में क्रिसमस के मौके पर तुमने मुझे रिंग दी थी? 8th स्टैंडर्ड में थे हम। हाँ बिल्कुल याद है, और तुमने मना कर दिया था। मेरा जवाब आज भी वही है। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे इंकार का आदी हो चुका हूं, लेकिन मुझे जानना है आखिर वजह क्या है, क्यों इनकार कर रही है? क्या तुम्हारी जिंदगी में
कोई और है? क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? कौन? चैंग, ये तुम्हारे लिए। तुम क्यों आए हो दोबारा यहाँ? चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। चैंग, चैंग, बात सुनो। मेरे पीछे मत आओ, चले जाओ खुदा के लिए। चलो देखते हैं कौन जीता। तुम्हें याद नहीं? इतनी पुरानी बात है और वैसे भी मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। मैंने देखा था उसे, मगर मैं याद नहीं रख पाई। तुम कहना क्या चाह रही हो मुझसे? वो चैंग सॉन्ग की पहली मोहब्बत थी ना? क्या? किसी को एक बार देखने से क्या उससे मोहब्बत हो जाती है? कैसी बातें कर रही हो तुम? एक बार उससे मिली है, इसे तो उसका चेहरा तक याद नहीं। हाँ, हो सकता है वो मेरी पहली मोहब्बत ना हो, लेकिन मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। मेरे दिल में कुछ खलश बाकी है जो उससे मिलकर ही पूरी होगी। खैर छोड़ो। वो दिन मैं भूल नहीं सकता। मेरे पीछे मत आओ, चले जाओ खुदा के लिए। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे किडनैप करोगे? क्या वो सिर्फ एक ख्वाब था? क्या दो लोग एक तरह के हो सकते हैं?
अगर वो सब कुछ हकीकत नहीं था तो जाने से पहले एक बार मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन ना हो क्योंकि हमारी सब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। चलो कोई बात नहीं। Excuse me?